नमस्कार एंड वेलकम बैक टू टुजाज ऑटोमोबाइल्स। दोस्तों आपके इस चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं और क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके कोई भी क्वेरीज हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड उनको मैं एड्रेस कर सकूं और एक कम्युनिटी के फॉर्म में हम साथ में आगे बढ़ सके। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी कोई क्वेरीज है कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली अगले वीडियोज में उनको शेयर आपके साथ ढंग से वीडियो बना के आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर दूंगा और वीडियोज आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन आंसर सेशन की। पहला सवाल है अर्णव कुमार दत्ता साहब का, जो कि टियागो का वेरिएंट सिलेक्शन के ऊपर मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसके बारे में पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट एएमटी। तो एएमटी के बारे में मैंने नहीं कहा था उस वीडियो के अंदर, मैंने नॉर्मल वेरिएंट समझाए थे। डेफिनेटली सर इसके अंदर एएमटी या फिर सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आ रहा है, आप ये एग्जेड या एग्जेड प्लस वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाएगा, आपको लेकिन 45,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो करीब 45,000 रुपये आप जैसे ही खर्च करते हैं आप एएमटी ट्रांसमिशन में मूव करते हैं, बाकी कोई फीचर चेंज नहीं होंगे। एग्जेड के अंदर जो फीचर है वो एग्जेड ए के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, एग्जेड प्लस के अंदर जो फीचर है वो एग्जेड ए एग्जेड प्लस ए प्लस के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो आपके पास सारे वो फीचर्स मिल जाएंगे, सिर्फ फर्क होगा तो उसके ट्रांसमिशन सिस्टम का, जो कि आपको एक एएमटी ट्रांसमिशन मिल जाता है। तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं, इसीलिए क्योंकि इसके बारे में बताने को बहुत कुछ नहीं था, फीचर सेम रहते हैं, इसलिए मैंने सेपरेट वेरिएंट के फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं किया। सिड राठौड़ कह रहे हैं कि BS6 फ्यूल क्या सिर्फ दिल्ली में ही अवेलेबल है। ये उन्होंने मैंने जो BS4 और BS6 फ्यूल के बारे में सारी जानकारी आपके साथ शेयर करी थी उसके ऊपर कमेंट करके पूछा है, और ये कहते हैं कि वो अहमदाबाद में रहते हैं, तो क्या और BS6 डीजल गाड़ी चला रहे हैं तो इनको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। तो सिड सारे ही अहमदाबाद तो बड़ा सिटी है, तो सारे ही बड़े सिटीज में खासकर BS6 पेट्रोल पंप्स आने लग गए हैं। दिल्ली के पास NCR रीजन में इनका इंफ्रा पहले डेवलप हुआ था, तो यहाँ पे डेफिनेटली पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं ऐसे पेट्रोल पंप्स जहाँ पे या डीजल पंप्स जहाँ पे BS6 फ्यूल मिल रहा है। आप भी सर ट्राई कीजिएगा कि अहमदाबाद में जो BS6 फ्यूल के स्टेशन है वहाँ से कराएं, प्रेफरेबली ये रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप BS4 वाले फ्यूल स्टेशन से भी करवा लेंगे तो आपको अगर लगातार 2-3 साल कराते रहते हैं तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज आपको दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल यूसेज के अंदर आप शायद महीने के अंदर 2 बार फुल टैंक कराते होंगे, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं तो यही इंसिस्ट करूँगा क्योंकि मैंने इंजन की फंक्शनिंग देखी भी है, कुछ इंजीनियर से भी बात हुई थी, तो उनने सभी ने ये सजेस्ट किया कि अगर BS6 फ्यूल अवेलेबल हो तो BS6 गाड़ी के अंदर ज़रूर से डालें, अगर नहीं होता है तो गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम ज़रूर से कराएं, और ये इंश्योर करें कि अगर BS6 जैसे कोई डीजल स्टेशन खुल जाता है वहाँ से वो फ्यूल लेना शुरू कर दें। गाड़ी के लिए बेहतर वो रहेगा, लेकिन कोई बहुत ड्रास्टिक खराबी आपको गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी अगर BS6 कार के अंदर BS4 डीजल आप डलवा देंगे तो। लेकिन सर्विस का ज़रूर से ध्यान रखेगा और लॉन्ग टर्म में जितनी जल्दी मूव कर सकें BS6 फ्यूल के ऊपर कर जाइएगा। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि दीपक शर्मा जी ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि विच वेरिएंट इन पेट्रोल शुड आई बाय इफ आई एम ट्राइंग टू बाय अ फोर्ड इकोस्पोर्ट। सो फोर्ड इकोस्पोर्ट के अंदर ये टाइटेनियम प्लस और नया थंडर एडिशन आया है, इन दोनों के अंदर कन्फ्यूज हैं, कह रहे हैं कि साहब इन दोनों में से कौन सा वेरियंट पर खरीदूँ, टाइटेनियम प्लस या फिर फोर्ड इकोस्पोर्ट थंडर एडिशन। तो साहब थंडर एडिशन अभी ही आया है, टाइटेनियम प्लस काफ़ी समय से चल रहा है, और इनका क्वेश्चन को मैं अच्छा क्वेश्चन से कह रहा हूँ कि दोनों ही कीमत सेम है तो इनको कौन सा खरीदना चाहिए। दोस्त थंडर एडिशन एक थोड़ा स्पोर्टी वर्जन है, आपको ब्लैक प्रीमियम रूफ मिल जाती है, ब्लैक ORVMs मिल जाते हैं, पडल लैम्प्स मिल जाते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि गाड़ियों को थोड़ा स्पोर्टी ग्रिल में चेंज है, थोड़ा सा स्पोर्टी दिखाने के लिए, तो ब्लैक का बहुत सारा प्रयोग आपको थंडर एडिशन में देखने को मिलेगा। टाइटेनियम प्लस मुझे लगता है कि इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स सेफ्टी ज़्यादा है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट के सारे फीचर्स इसके अंदर हैं, ब्रेक असिस्ट है, तो और कर्टन एयरबैग्स भी आ जाते हैं जो कि थंडर एडिशन में नहीं आ रहे हैं। तो सेफ्टी वाइज टाइटेनियम प्लस इज़ अ बेटर वेरिएंट, और अगर आप थोड़े लग्जरी पे या फिर लुक्स पे जाना चाहते हैं तो थंडर एडिशन पे जाइए। अगर मेरी मानेंगे, मेरी राय में मुझे लगता है कि मैं थोड़ी चाहता हूँ कि गाड़ी लुक्स तो डिसेंट होती है, आपको शायद दोनों की सेम सी लगेगी, अगर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं लग रहा तो टाइटेनियम प्लस लीजिए, ज़्यादा फीचर्स इस गाड़ी के अंदर और काफ़ी रोड पर चल भी रही है, रीसेल वैल्यू भी इसकी आपको मेरे हिसाब से थंडर एडिशन से ज़्यादा मिल पाएगी इन फ्यूचर। तो मेरा दोनों के अंदर चुनाव रहेगा कि टाइटेनियम प्लस फोर्ड इकोस्पोर्ट ली जाए इन कंपैरिजन टू फोर्ड इकोस्पोर्ट थंडर एडिशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि हम जुड़े रह सकें
इस वीडियो के फॉर्मेट में आपके साथ हम बात कर सकें, रेगुलरली हम टच में रह सकें, एज ए कम्युनिटी ग्रो भी कर सकें। कोई अगर कमेंट आपके मन में है, कोई सवाल आपके मन में है, कमेंट कर दीजिए साहब। फीडबैक भी आपका सर आँखों पे, और कोई अगर क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड वो कमेंट करके मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं डेफिनेटली उसको एड्रेस करूँगा अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।